हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट से रिलेटेड एक न्यूज आई है और इसे ऑफिशियल के द्वारा ये जारी किया गया है, आप लोग देख सकते हैं ये। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें ये नोटिफिकेशन में दिया गया है कि इसमें तीन चीज़ें दिया है कि इसमें पहला कि आपका एग्ज़ाम कब होगा और इसमें कहाँ सेंटर कहाँ सेंटर जाएगा और इसका एग्ज़ाम की टाइमिंग क्या होगी। तो पहले से हम लोग देखते हैं, इसका एग्ज़ाम होगा जो 30 अप्रैल 2023 को होगा, संडे के दिन होगा, 30/4/2023 को होगा संडे के दिन। पहले ये कन्फर्म नहीं लग रहा था, ये कन्फर्म हो गया कि एग्ज़ाम 30 अप्रैल को ही होगा, 30 अप्रैल को संडे के दिन इसका एग्ज़ाम होगा। और जो पहले सेंटर थे वो अलग अलग जगह थे, अब उसको कम कर दिया गया, 8 सेंटर बना दिया गया, जिसमें बेगूसराय है, आरा है, गया है, जहानाबाद है, मुजफ्फरपुर है, पटना और हाजीपुर है। और इसकी टाइमिंग है जो 12 से 2 के बीच में रहेगी, लेकिन आपको 10 से 11 के बीच में ही आना होगा, 11 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसका एग्ज़ाम 30 अप्रैल को होगा, 12 से 2 होगा, ये कन्फर्म हो गया। और एडमिट कार्ड आज जारी कर दिया जाएगा शाम को 6 बजे तक। आज पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का एडमिट कार्ड है जो आज जारी कर दिया जाएगा, पटना हाईकोर्ट का असिस्टेंट का जो एडमिट कार्ड है आज जारी कर दिया जाएगा। अब हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं, क्या क्या है इसमें, क्या क्या निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है और क्या क्या लेके जाना है। इसमें आपको वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है और 2 फोटो लेके जाना है। फोटो लेके जाना ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन आपको वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, जैसे कि आधार कार्ड हो, आपको लेके जाना है। अब हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं पहले। तो इसमें हमारा सिलेबस है, यह हमारा सिलेबस है कि पहले जनरल अवेयरनेस है जो 25 नंबर का पूछा जाएगा, और फिर रीजनिंग एंड क्वांट एप्टीट्यूड रहेगा जो 25 नंबर का रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेंगे 25 नंबर का, और जनरल हिंदी 15 नंबर का, और 10 नंबर का कंप्यूटर अवेयरनेस रहेगा। तो ये पूरा मिला के 100 नंबर हो गए। और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स हो गया 40 नंबर आपको मिनिमम लाना ही होगा क्वालिफाई करने के लिए। और ये 2 घंटे का पेपर होगा, 12 से 2 के बीच में होगा, और ये 100 नंबर का रहेगा। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसलिए आपको पूरा क्वेश्चन करना है, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और इसमें 5 सब्जेक्ट से ही रहेगा, क्वेश्चन जीके रहेगा, रीजनिंग रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये दोनों मिला के 25 रहेगा, हिंदी रहेगा, हिंदी का रहेगा 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर का रहेगा 10 क्वेश्चन। तो पूरा मिला के 100 हो गया, और ये 2 घंटे का पेपर होगा। और इसमें जो मेंस लिखेंगे उनमें क्या है, जनरल इंग्लिश और हिंदी का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जो कि इंग्लिश जो 60 नंबर का होगा और 40 नंबर का हिंदी होगा, और इसका वेटेज रहेगा 24 और 16 रहेंगे, लेकिन ये पेपर 3 घंटे का होगा। और इसका जो इंटरव्यू होगा वो 10 नंबर का रहेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स 3 नंबर का रहेगा। तो आपको हम लोग का तो अभी पीटी पे फोकस करना है, जिसमें कि हमारा 100 नंबर का रहेगा, जिसमें जीके रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, जनरल इंग्लिश रहेगी, हिंदी रहेगा, और जनरल कंप्यूटर अवेयरनेस रहेगा, ये हमारा रहेगा। और इसमें आप देख सकते हैं डिटेल सिलेबस भी दिया हुआ है कि हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, संधि समास कारक बर्तनी गधांश ये सब पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश में साइनो एंडो पूछा जाएगा, एडमिस फ्रेज पूछा जाएगा, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है ये पूछा जाएगा। और हमारा जनरल अवेयरनेस के सिलेबस में बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेंगे, बिहार स्पेशली क्वेश्चन रहेंगे सारे, स्पेशली हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी इकोनॉमी पॉलिटी रहेगा, और रीजनिंग एप्टीट्यूड रहेगा। तो ये हमारा पटना हाईकोर्ट से रिलेटेड ये हमारा आज का नोटिफिकेशन था, जो पटना हाईकोर्ट के ऑफिशियल के द्वारा जारी किया गया था। तो जो भी इस चैनल पर रहें सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन।